हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस दुनिया के एक ऐसे खूंखार साइको किलर की बेहद ही रोचक शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसमें वह मटन और सुअर के मांस के साथ इंसानों की हत्या करने के पश्चात उनकी मीट को मिलाकर मिक्स कर बेच देता था। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोचक शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप जिस मीट को पोर्क अथवा मटन समझकर खा रहे हैं वह इंसानी मीट निकले। दोस्तों, वैसे तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में साइको किलर अथवा सीरियल किलर पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन यह घटना बिल्कुल ही अजीब है। दोस्तों, बात है 90 के दशक अमेरिका की। अमेरिका के मेरीलैंड का रहने वाला एक सीरियल किलर जोसेफ रॉय मेथनी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वह लोगों की हत्याएं करके उसे पोर्क अथवा बीफ बर्गर में मिलाकर बेच देता था। जो मेथनी पर कई हत्याओं और बलात्कार का आरोप था। सन 1997 ईस्वी में पकड़े जाने पर जियो मेथनी ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसने एक महिला जिसका नाम कैथी एन मैगजीनर था, उसकी हत्या करने के बाद उसे दफना दिया था। 2 वर्षों के बाद उसे फिर से कब्र से निकालकर डिब्बे में पैक करके कचरे में फेंक दिया। एक दूसरे मामले में उस साइको किलर ने रीटा कैंपर नाम की एक महिला की हत्या और बलात्कार करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार रीटा और मेथनी एक साथ ड्रग्स लिया करते थे। वह रीटा के साथ सेक्स करना चाहता था। कोर्ट प्रोसिक्यूटर के अनुसार कैंपर द्वारा इनकार करने पर उस साइको किलर ने कैंपर को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। किसी तरह से कैंपर खिड़की से भाग निकलती है और पुलिस के पास जा पहुंचती है। उसने पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि उसने पुल के नीचे सो रहे 2 व्यक्तियों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। खुद को सीरियल किलर घोषित करने और 13 लोगों को मारने का दावा करने के बावजूद उसे केवल 2 हत्याओं का दोषी ठहराने के लिए ही पर्याप्त सबूत मिल पाए। दोस्तों, जब पुलिस ने मेथनी से हत्या करने का कारण पूछा तो उसका जवाब बिल्कुल भी हैरान कर देने वाला था। उसने यह बताया कि उसकी किसी भी व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। जिनकी हत्या उसने की थी उससे हत्या करके ताकतवर होने का एहसास होता था। उसने यह भी बताया कि जब वह 6 वर्षों का था तो उसके पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उसकी माँ उसका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती थी और उसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए छोड़ देती थी। इस तरह की जिंदगी जीते हुए उसने ऐसे रास्ते को अपनाया। उसने यह भी दावा किया कि वो इंसानों का मांस पोर्क और बीफ बर्गर के साथ मिलाकर बेच देता था, क्योंकि इस तरह से लोगों को स्वाद का पता नहीं चल पाता था। मेथनी ने दावा किया कि वो सैंडविच और बर्गर में इंसानी मीट को मिक्स करके बेच देता था। वह सुअर और बीफ के मांस को इंसानों का मांस मिक्स करके भूनता था तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता था और लोग अनजाने में उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। लोगों को ये बात मालूम भी नहीं होती थी कि वे अनजाने में एक इंसान का मांस खा रहे हैं। सन 1998 ईस्वी में कोर्ट में गुनाह साबित होने के बाद उसे 50 साल की कैद की सज़ा मिली, परंतु 5 अगस्त सन 2017 में वह अपनी जेल में मृत पाया जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खूंखार साइको किलर के विषय में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए UPSC किड्स के साथ।